I have studied organic chemistry topic from the professor Bore sir. I think so. So among you, who will tell me the which was the last topic for as organic chemistry is concerned? Kaun sa topic tha beta organic ka? Sir, benzene. Yes. Benzene. Benzene related reactions. Okay. It means that the aromatic compounds you might have studied. I think so. Right? Aromatic compounds tha na? No, sir. Aromatic compounds weren't there. Yeah. Benzene reaction. Okay. Nomenclature. Chalo. Doesn't matter is that. So our topic is different than earlier ones. Earlier se hamara topic was different. Just a minute. So here we are going to learn the syllabus or the topic from the physical chemistry. So you might have studied the introduction of chemistry. Chemistry ka introduction study kiya hoga aapne. Now who will tell me the definition of chemistry? Study of chemical reactions. Chemistry is a branch of physics in which we study about atoms and structure. Yes. Correct, beta. Yes, any more definition? और आप में से डेफिनेशन बोलो. ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद कार्बन कंपाउंड्स. ओके. स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. चलो कोई बात नहीं है. दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अगेन डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. यस वन मोर. बोलो बेटा. सर स्टडी ऑफ मैटर. स्टडी ऑफ मैटर करेक्ट. ओनली स्टडी ऑफ मैटर यानी मैटर में स्टडी क्या करना है, कैसे स्टडी करनी है मैटर. बोलो बेटा. यस सर. एटम कंपाउंड. Chemistry, the science deals with the properties, composition, structure of substance. Yes, Shantanu, this is the correct definition. Correct definition. Yes. Network issue. चलो कोई बात नहीं है. Network का तो issue थोड़ा बहुत आ ही रहेगा. तो जो शंतनु नाम से इसका लॉगिंग है बहुत करेक्ट डेफिनेशन बताया उसने. स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशन एंड देयर प्रॉपर्टीज. तो बेटा पहले हम क्या करते हैं कि केमिकल कंपोजिशन स्टडी करते. केमिकल कंपोजिशन यानी सपोज हमारे पास क्या है, शुगर है. आप में से कोई बता सकता है कि शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? टेल मी द शुगर. CH3COOH. यस C6. बोलो. H12O6. ये शुगर का फॉर्मूला है क्या सर? ग्लूकोज का है सर. का फॉर्मूला नहीं बेटा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला. शुगर का फॉर्मूला कौन बताता मुझे? यस, हु विल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ C12H2O? क्या बात है.
C12H22O11। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे उसको? दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ शुगर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, दैट इंडिकेट द केमिकल कंपोजिशंस। इसको बोलते हैं केमिकल कंपोजिशंस। नाउ द केमिकल कंपोजिशन इज नथिंग बट दैट इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस that contain a different elements, अलग अलग elements होते, तो उसका unique identification है, that is called as chemical formula, उसको chemical formula बोलते हैं। समझ में आ रहा बेटा? Okay, तो आप मुझे बोलो, what is the name of this? NaOH, इसका नाम क्या है? Sodium hydroxide। Sodium hydroxide। NaS3, what is the name of this? Ammonia। क्या बात है, एकदम सही। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सही। What is this? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, ओके। हाँ, S3PO4। Tell me beta, what is this? Phosphoric acid. Kya baat hai? Phosphoric acid. Ekdam sahi beta. Phosphoric acid. So ye jo hai iska chemical composition indicate karte. To chemistry mein sabse pehle hum kya karte? Chemical composition. Ab kaun sa bhi compound yadi hame represent karna hai to hum kaise represent karenge? देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज वाटर है, वाटर हमारे पास वाटर है H2O, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे H2O, बराबर है। एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, राइट है? हाँ, तो ये स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर दिखता है वाटर का? ऐसा ऐसा, ये क्या बोलते हैं उसको? वी शेप, दैट इज कॉल्ड एज बेंट ज्योमेट्री, बेंट, वी शेप, वी शेप स्ट्रक्चर है उसका। यदि यदि हमें स्ट्रक्चर निकालना है मीथेन का, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन? बोलो, CH4। क्या बात है, CH4, एकदम सही बेटा। स्ट्रक्चर कैसा है मीथेन का? कार्बन बीच में और हाइड्रोजन उसके सराउंडिंग। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा है सर? कार्बन बीच में और आजू बाजू में तीन हाइड्रोजन है। क्या बात है, एकदम बराबर है। याच 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 याच, बराबर है ना? What is the structure? This indicate, इसको क्या बोलते हैं? Triangle। हाँ, एकदम बराबर। Tetrahedral। Tetrahedral। अब sulfuric acid यदि हमें structure के form में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? Yes, O। Yes, double bond O, 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 yes। इसका नाम है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसे है। तो केमिस्ट्री में कंपोजिशन के बाद हम क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। एंड दूसरी एक बात बोलता मैं, ये जो है मीथेन, मीथेन को लेना है गैसियस फॉर्म में, उसको जलाना है। जलाने के बाद क्या मिलेगा मीथेन का? क्या मिलेगा बेटा? सर कार्बन प्लस H2। हाँ बोलो,
what you will get? Carbon dioxide plus hydrogen. Carbon and क्या मिलेगा, क्या प्रोडक्ट लिखो इसका? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस H2O, CO2 प्लस कितना H2O, ट्वाइस H2O, तो इधर कितने ऑक्सीजन करूं? दो। क्या बोलेंगे इसको? टू ऑक्सीजन। हाँ, ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग रिएक्शन। हाँ, याने ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज। ये रहा कंपोजिशन, ये होतो स्ट्रक्चर। क्या था ये? स्ट्रक्चर। एंड दिस इज द केमिकल रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन इज वेरी गुड। यस Correct. And this is the chemical composition. One of think us that also gives heat energy. Energy in the form of heat, that is the combustion. Light energy nahi beta, heat energy aati hai. Very good beta. These are all reactions are nothing but ye jo reaction hai usko properties bolte matter. Yani combustion reaction hai, combination hai, addition hai, displacement hai, bahut sari reaction hai, alag alag topics karenge. अब हम कंक्लूजन पर आए। केमिस्ट्री एक साइंस के पेड़ की एक ब्रांच है। साइंस बहुत बड़ा पेड़ है, लाइक बनियन ट्री। बनियन ट्री को बहुत सारे ट्रिमेंडस ब्रांचेस रहते हैं। तो बनियन ट्री एक साइंस, साइंस एक बनियन ट्री है, उसमें से छोटी सी ब्रांच जो है, वन ऑफ द ब्रांच ऑफ दैट इज द साइंस, इट इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। That deals with study of structure, composition, and the chemical reaction of matter or substance by which one substance converted into another. एक substance का बराबर है, एक substance का दूसरे substance में conversion होना, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्जन होना बोल के क्या करते हैं, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। आई समझ में? आप बोलो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? रब करूं क्या इसको? आप ये सर कर दी, ये सर कर दो, रब करूं मैं इसको? ये सर। बोलो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। यस सर, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब वो केमिस्ट्री जो लॉज और प्रिंसिपल को डील करती है, एनर्जी के साथ डील करती है। करेक्ट करेक्ट, ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें बाकी सब सेम है। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स फिनोमिना, केमिकल सिस्टम्स, ये बराबर है। इसमें क्या स्टडी करते? लॉज, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस। यानी ये जो केमिकल रिएक्शन मैंने बताया ना, ये कुछ लॉज के ऊपर है, कुछ थ्योरीज के ऊपर है, कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर है। जो केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है कि नहीं भाई ऐसे होता है, इसका प्रोडक्ट ये मिलता है, इसका इतना मीथेन इतना जलाने के बाद इतना ऑक्सीजन लगता है, जलाने के लिए इतना ऑक्सीजन लगता है, इतना वाटर मिलता है, इतना CO2 रिलीज होता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, कुछ थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स है, लॉज है जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री। यस करेक्ट। चलो इनऑर्गेनिक बोलो। इनऑर्गेनिक द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड विद कार्बन। यस, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। जैसे के मिनरल एसिड्स है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बराबर है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, इसके कुछ कंपाउंड्स है, कलर कंपाउंड है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बहुत सारा पीरियोडिक टेबल का स्टडी करते हैं एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा है समझ में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
nothing but study of elements other than carbon and their compounds. अब आओ मेन फोकस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बोलो क्या सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ऑल ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नो सर एक्सेप्शन कार्बोनेट CO2 बराबर है कार्बोनेट्स है बाय कार्बोनेट्स है दीज आर द इनऑर्गेनिक बेसिस वेरी गुड उसके इनऑर्गेनिक बेसिस है तो ये इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन बराबर है ओके तो यदि हम फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज कंपोजिशन रिएक्शन प्रिपरेशन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स करेक्ट बाकी सब सेम एकदम सही बेटा बहुत बढ़िया तो अब मैं बेसिक के ऊपर जाऊंगा व्हाट इज मैटर Anything that occupies space and have mass is called matter. यदि हम matter को classify करेंगे, matter पहला वाला classification matter का है, इसका नाम है physical classification. केमिकल क्लासिफिकेशन हाँ कम ऑन फिजिकल में क्या क्या आता है सॉलिड लिक्विड कलर सॉलिड ओके स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिकल में क्या आएगा सॉलिड लिक्विड एंड गैस सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसी हाँ सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बराबर ना एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट प्लाज्मा कब आता है व्हाट इज अ प्लाज्मा स्टेट बोलो सर प्लाज्मा हैज highly energetic particles highly energetic ions gases very good J.J. Thomson ne beta experiment kiya tha ye electron ki cathode ray ka discovery jisme usne yes, kya kiya tha cathode ray discharge tube li thi usme gas liya tha hydrogen gas ka ionization karne ke baad hydrogen gas ka आयोनाइजेशन करने के बाद जो स्टेट आती है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आते हैं दैट इज द स्टेट ऑफ आयोनाइज प्लाज्मा आयोनाइज गैसेस है ओके अब ये जो स्टार है सन है मून है दीज आर द नथिंग बट प्लाज्मा स्टेट्स उसको प्लाज्मा स्टेट्स आते हैं यानी जब दुनिया में कोई चीज बनी होगी तो वो प्लाज्मा से बनी होगी प्लाज्मा यानी ऐसे दो पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो आयोनाइज फॉर्म में होता है ओनली आयोनाइज ऐसे एक पार्टिकल इधर कंबाइन होने के बाद फिर बाद में वो प्लाज्मा आया बाद में गैसियस स्टेट आया बाद में फिर वो लिक्विड स्टेट आया बाद में सॉलिड स्टेट आया तो जब हमें स्टडी करना है तो कौन सा प्लस स्टेट स्टडी करना है बेटा प्लाज्मा दुनिया में हर कोई चीज बनी होगी वो प्लाज्मा से बनी होगी प्लाज्मा आयोनाइज्ड बिकॉज बहुत सारी थ्योरीज ऑफ साइंस इंडिकेट करती है कि दुनिया में जो कोई चीज बनी होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनी होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो अपोजिट चार्ज में होता है
दो अपोजिट चार्ज में, तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पॉजिटिव टू अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स एंड इफ दे आर इन आयोनाइज्ड फॉर्म, इफ दे आर आयोनाइज्ड फॉर्म देयर इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. नाउ बोस आइंस्टाइन इज नथिंग बट, बोलो बेटा बोस आइंस्टाइन क्या है, बोलो बोस आइंस्टाइन. दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर नथिंग बट द मैटर जनरली गैसेस आर कूल्ड टू सर वीडियो पॉज हो गया. कितना टेम्परेचर कितना कम कर, सर आपका नेटवर्क चला गया था बीच में, सर आपका माइक बंद है. ओके डन. अब प्लाज्मा के बाद बोस आइंस्टाइन. तो बेटा टेम्परेचर कितना कम कर सकते हैं हम, कम करना है तो सर माइनस में, माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी कर सकते. और कोई आंसर थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग को सेट होने वाला, बिलीव करने वाला आंसर, सर माइनस 100 डिग्री, माइनस 100 डिग्री, यस यू कम नियरर टू द आंसर, माइनस 100 डिग्री. ओके तो बेटा टेम्परेचर हम कम करना है तो माइनस 273 डिग्री तक कर सकते. कितना टेम्परेचर 273 माइनस केल्विन 273 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके प्लस 273 केल्विन इसको क्या बोलते, जीरो केल्विन. ओके यानी जीरो केल्विन, जीरो केल्विन. जीरो के दैट इज कॉल्ड एज, ये जो है उसको बोलते एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो. क्या बोलेंगे इसको, एब्सोल्यूट जीरो. तो गैस को एब्सोल्यूट जीरो तक कूल करना है. दुनिया में ऐसी कोई चीज सॉलिड स्टेट में नहीं होती, वो पूरी कंडेंस हो जाती है, फ्रीज हो जाती है कोई चीज ये कंडीशन में, गैसेस नहीं होगी, सब सॉलिड. इसको कूल करना है तो गैसेस कैन बी कूल्ड एट वेरी लो टेम्परेचर माइनस 273 डिग्री यानी जीरो केल्विन तक जो स्टेट आएगा मैटर का उसको बोलते बोस आइंस्टाइन कंडेंसर. नाउ बोस क्या है, आइंस्टाइन क्या है, ये दो क्या है, साइंटिस्ट है. साइंटिस्ट आइंस्टाइन तो आपको पता है दुनिया का सबसे होशियार पर्सन, सबसे बड़ा होशियार साइंटिस्ट, जिन्होंने वो अपने ब्रेन का 0.2% इस्तेमाल किया है. रिलेटिविटी थ्योरी इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर आइंस्टाइन. एंड बोस कौन है, आजाद हिंद सेना. नो सर. कौन सा बोस है सर, बोस एक साइंटिस्ट है. सर बोस साइंटिस्ट है. हाँ बोस साइंटिस्ट है.
वो कौन सा इंडियन है? चंद्र बोस है, उनका नाम चंद्र बोस था। कौन सा बोस? सुभाष चंद्र के जगदीश चंद्र? नो सर, सुभाष चंद्र तो नहीं था। है सुभाष चंद्र बोस नहीं, दूसरा वाला सुभाष चंद्र बोस तो दे आर फ्रॉम द हिस्ट्री, आजाद हिंद सेना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है कि नहीं? चलो एनी हाउ दिस इज द बोस फ्रॉम द साइंस। ये जो बोस है ये है साइंस से बोस है, साइंस के बोस है, और इसका नाम है बेटा सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ इंडियन साइंटिस्ट। अब सत्येंद्रनाथ बोस के नाम के ऊपर एक पार्टिकल है जिसको जनरली गॉड पार्टिकल बोला जाता है। ड्यूरिंग द डिस्कवरी अप 2010 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म एट द जिनेवा, वर्ल्ड के बहुत सारे साइंटिस्ट थे उसमें। सर व्हाट इज जिनेवा? व्हाट इज जिनेवा? जिनेवा, जिनेवा। यस सर, आई एम आस्किंग व्हाट इज दैट सर। जिनेवा कंट्री है ना, क्या स्टेट है? यस सर, कंट्री है सर। तो इन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस जो है एटम का, उसमें और एक पार्टिकल है जो पीटर हिग्स नाम के साइंटिस्ट ने बोला है। पीटर हिग्स। तो इसीलिए पार्टिकल का नाम क्या दिया पता है? हिग्स बोसॉन। ये सत्येंद्रनाथ बोस एंड ये है पीटर हिग्स, इसलिए पार्टिकल का नाम दिया है पीटर हिग्स। चलो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका। यस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Then further, I am free for that. Rub करने के लिए मैं free हो जाऊंगा। Sir. बोलो। Sir, हमें solid state पता है, liquid state पता है, gas state पता है, और हम लोगों ने देखा भी है। But plasma state क्या होता है? Plasma state बेटा जो है ना, suppose एक ऐसा एक ट्यूब है जिसको हमने इलेक्ट्रिक जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और इसको जो सप्लाई दिया है हमने, ये दिया है हाई वोल्टेज। जनरली 10,000 वोल्ट इतना। यदि उसके हम गैस लेते हैं अंदर, तो गैस के दो पार्टिकल मिलते हैं। सपोज M इज द गैस इज देयर, M प्लस एंड E माइनस। तो ये जो स्टेट होता है ये ग्लोइंग स्टेट है, ग्लोइंग चमकता है वो। तो दिस इज द आयोनाइज गैसेस, आयोनाइज गैस है लेकिन आयोनाइज। This is nothing but the ionized gases, जो कि high temperature supply करने के बाद मिलते हैं, ionized gases, जिसको बोलते हम plasma state। Sun जो है, sun पता है क्या है?
Yes. Cathode may green and anode may red. That is a discovery of cathode ray. बहुत सही. ये जो होता है, ये होता है प्लाज्मा. सन बेटा, सन क्या होता है? सन इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. सन होता है हीलियम का न्यूक्लियस. हीलियम तो हीलियम में क्या होता है? ये H+ इलेक्ट्रॉन माइनस, ऐसी स्टेट आती है हीलियम न्यूक्लियस. दिस इज ऐसा कंटिन्यूअसली हीलियम बनता है. ये जो आयनाइज स्टेट है उसको हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं. आया समझ बेटा? यस यस सर. सर मतलब हम प्लाज्मा स्टेट को हम आंखों से नहीं देख सकते? नहीं, वो तो एग्जिस्ट, मतलब उसका आंखों से नहीं देखेंगे लेकिन उसका बिहेवियर एग्जिस्ट करता है. कैसे? सपोज ये अपनी ट्यूब है ना, ट्यूब कौन सी, जो लाइट लाइट होता है, ट्यूब लाइट, उसमें कैसा ग्लोइंग आता है, लाइट दिखता है लेकिन अंदर क्या है वो नहीं दिखता है. तो वैसे कैथोड रे, जैसे आपने बताया रेड रेड एंड ग्रीन ग्लो जो है ना, वो इनविजिबल रेडिएशन, दे आर विजिबल विद द हेल्प ऑफ सर्टन काइंड ऑफ सब्सटेंस. सर्टन काइंड ऑफ सब्सटेंस से ही विजिबल होते हैं, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा स्टेट्स. बराबर है? तो माइनूट स्टेट है, आयोनाइज गैसेस है, लेकिन यदि ग्लो आता है तब हम देख सकते कि वह है ऐसा, ये लाइक दिस. ठीक है, चलेगा? चलो अब ले लो स्क्रीनशॉट. सर टेक दिस स्क्रीनशॉट. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो चुका है. केमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें आएगा प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर. मिक्सचर प्योर, प्योर सब्सटेंस का एलिमेंट इन कंपाउंड. वेरी गुड. एलिमेंट एंड कंपाउंड. मिक्सचर का होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. एकदम सही, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. बेटा एलिमेंट बोलो, एलिमेंट क्या होता है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, लोबल गैसेस. हाँ, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नोबल गैसेस. ओके, तो डिफाइन कैसे करेंगे उसको? सर कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट. राइट राइट. और ऐसा सब्सटेंस जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, बराबर ना? यस यस सर. सेम काइंड्स ऑफ एटम. हाँ, एलिमेंट फिर कैसा आता है? मेटल, नॉन मेटल, बाद में मेटलॉइड्स, इनर्ट गैसेस. एलिमेंट का छोटा सा पार्ट क्या होता है? एटम. एटम एटम ओके. और
दूसरा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, बराबर ना? यस सर, मॉलिक्यूल्स। अब मुझे बोलो सपोज ऑक्सीजन इज द एलिमेंट। सर आपकी स्क्रीन अचानक से ब्लर हो गई, आप क्लियर है क्या? यस सर ब्लर है। नाउ दिस इज द एलिमेंट, व्हाट इज दिस एंड दिस? सर ओ टू कंपाउंड है एंड नीचे के एलिमेंट है। सर ऊपर वाला मॉलिक्यूल और नीचे एलिमेंट मतलब एटम है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एलिमेंट का छोटा सा पोर्शन मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है, यानी मॉलिक्यूल को और ब्रेक करेंगे तो क्या मिलते हैं उसके एटम्स, बराबर ना? आई एम राइट? यस सर। सपोज आई टेक हियर sodium, now this is sodium as an element, now what is this? Sir, atom only. Kya baat hai, atom only, correct, bahut badhiya beta. If I take CH4 is this as a compound. Now this is the CH4, C plus 4H. These are the molecules, these are the atoms. So atom, smallest particle of an element, molecule can also be smallest particle of an element or compound. कंपाउंड का भी छोटा सा पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल, एलिमेंट का भी होता है। इफ एलिमेंट इज मोनो एटॉमिक, एलिमेंट यदि मोनो एटॉमिक है तो एलिमेंट का छोटा सा आपकी स्क्रीन पॉज हो रही है। सर आपकी स्क्रीन पॉज हुई है, नेटवर्क गया सर। पोर्शन होता सर, वीडियो लैग कर रहा है सर। आया ना? सर आप म्यूटेड हो। हेलो सर, मेरे फोन नंबर है, मैसेज आओ जो बंद आओ जो बंद। तुम्हारा
डायटॉमिक एलिमेंट डायटॉमिक है सीएल टू ओ टू बीआर टू। ना इसके छोटे से पार्टिकल क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स। ना इफ द मोनो एटॉमिक इज देयर ओ एन ए के particles are nothing but atoms. Okay? So again compound jo hai two or more element different in fixed proportion दो या दो से ज्यादा एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में क्या है अरेंज है उसको बोलते हैं हम कंपाउंड उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। अगेन कंपाउंड का छोटा सा पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स। ओके तो मैटर मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी बेटा बोलो व्हाट इज मेटल सर सोनोरस मैलेबल डक्टाइल सोनोरस मैलेबिलिटी डक्टिलिटी सोनोरस हां हार्ड हार्ड है लस्टर लस्टर्ड है आवाज आती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर वायर बना सकते बेंड भी कर सकते मैलेबल एंड डक्टाइल डक्टाइल इलेक्ट्रो पॉजिटिव नॉन मेटल उसके अपोजिट मेटल ऑयल शो बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स बराबर एग्जांपल बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमोनी बराबर ना बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक टेलुरियम एंटीमोनी एंड एस्टेटाइन सर एस्टेटाइन भी होगा ना बराबर है ना यस सर दिस इज द मेटालाइट्स ओके। चलो अब ये इनर्ट गैसेस तो आपको पता है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन। अब आएंगे हम मिक्सचर की तरफ होमोजेनियस 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 मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच कंपाउंड्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन दे हैव अ सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द फेज यानी के मिक्सचर जिसे बनता है उसको क्या बोलेंगे हम जिससे मिक्सचर बनता है उसको बोलेंगे कंपोनेंट कंपोनेंट हैव फिक्स कंपोजिशन थ्रू आउट द फेज मीन्स
कंपोनेंट जितने सारे है दे आर प्रेजेंट इन सेम फेज दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस सॉल्यूशन यूरिया सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन ग्लूकोज सॉल्यूशन सॉल्ट का सॉल्यूशन इवन एयर इज द मिक्सचर एयर क्या है बेटा मिक्सचर है मिक्सचर सब कंपोनेंट एक ही फेज में होते हैं सब कंपोनेंट कैसे होते हैं एक ही फेज में होते हैं दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर मिक्सचर इज नथिंग बट दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स टू डिफरेंट कंपाउंड्स बराबर है एलिमेंट एंड डिफरेंट कंपाउंड्स दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर तो मिक्सचर में प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है दे आर टेकन ऐसे ही रैंडम ले लिया जाता है उसको बोलते हैं आप मिक्सचर तो होमोजीनियस मिक्सचर का जो एग्जांपल है एयर सॉल्यूशन है बराबर है सॉल्यूशन है शुगर सॉल्ट यूरिया ग्लूकोज अल्कोहल कौन से भी सॉल्यूशन जिसमें क्लियर बना है एक ही फेज है इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस तो हेटरोजेनियस में क्या आएगा हेटरोजेनियस दे हैव अ डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द फेज कंपोजिशन अलग अलग है जिसमें दो या दो से ज्यादा फेजेस होते हैं यानी कि इसको ऑयल एंड वाटर बोलते हैं ऑयल एंड वाटर उसके बाद सॉल्ट प्लस शुगर ऑयल एंड वाटर सॉल्ट प्लस शुगर उसके बाद कौन सा है केरोसिन प्लस वाटर एटसेट्रा आया समझ में क्लियर है ठीक है चलो स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस
ले आ बेटा सपना, सब ले आना। यस ओके ओके चलो। Homogeneous mixture. होमोजेनियस मिक्सचर एग्जांपल बोलो बेटा होमोजेनियस मिक्सचर की। एयर अल्कोहल सॉल्यूशन यूरिया सॉल्यूशन sir alloy yes metal alloy generally isko kya bolte hai solid solution air gaseous solution that is a liquid solution whether milk is the solution hey homogeneous mixture milk hai kya milk is the homogeneous mixture or not यस बेटा मिल्क होमोजेनियस मिक्सचर है क्या? नो सर। हाँ है क्या? नहीं इफ आई राइट हियर मिल्क यस सर इट इज होमोजेनियस दैट इज होमोजेनियस यस सर सबका आंसर है होमोजेनियस ब्लड ब्लड है क्या? नहीं बोलो ब्लड ब्लड होमोजेनियस में सेम कंपोजिशन throughout the phase solution mixture of two or more non-reacting components within limit proportion
इनका प्रोपोर्शन विद इन लिमिट में होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक है सॉल्यूट एंड दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है लेस क्वांटिटी में, सॉल्वेंट होता है मोर क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी एंड मोर क्वांटिटी। सॉल्यूट होता है विच डिसॉल्व्स गेट डिसॉल्व्स यस अंडरगो डिसॉल्व्स, ऐसे लिखूंगा मैं इसको, अंडरगोज डिसॉल्यूशन। डिसॉल्व सॉल्यूट फाइव ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। बोलो सॉल्यूट कौन सा है सॉल्वेंट कौन सा है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोलो बेटा। सर सॉल्यूट वाटर है सॉल्वेंट शुगर है, सॉरी सॉल्वेंट शुगर है सॉल्यूट वाटर है। बराबर कम है सॉल्यूट। ज्यादा है सॉल्वेंट। बराबर ना। ओके ग्राम ऑफ अमोनिया इन 200 ml ऑफ वाटर। बोलो सर सॉल्वेंट है NH3 और सॉल्यूट है वाटर। फिर से बताओ सर सॉल्यूट वाटर है एंड सॉल्वेंट NH3। नहीं ना सर आपने वहां पे NH3 के 200 ml लिखा है ना, और ये 220 है ओनली 209 नहीं। बराबर क्या? यस सर। हाँ ये 20 था 20। बराबर है मिक्सचर। यस सर। होमोजेनियस हेटेरोजेनियस ओके हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस डिफरेंट कंपोजिशन। About the phase different composition throughout the phase blood milk blood milk uske baad salt plus sugar aqueous aqueous kya hai aqueous mixture hai lekin homogeneous hai barabar hai
प्रोटीन सॉल्यूशन प्रोटीन सॉल्यूशन का एग्जांपल बोले बेटा प्रोटीन सॉल्यूशन सर कोई भी मतलब बॉर्नविटा वगैरह बॉर्नविटा प्रोटीन है सर प्रोटीन जूस जूस हम घर में कौन सा प्रोटीन का सॉल्यूशन बनाते और खाते पीते जो भी जूस सर जूस कौन सा जूस सर ऑरेंज जूस एप्पल जूस मैंगो जूस वो प्रोटीन थोड़ी प्रोटीन किसमें रहता है प्रोटीन रिसोर्स एनिमल अपना एग एग हाँ दूसरा मीट मीट की सब्जी बनाते ना सूप यस सर प्रोटीन का सॉल्यूशन चिकन मटन दूसरा जो चिकन मटन नहीं खाते उनके लिए प्रोटीन कौन सा है सर मिल्क हाँ मिल्क में है और दूसरा पल्सेस नहीं क्या पल्सेस हाँ यस सर हाँ बराबर ना तुअर की दाल मूंग की दाल जो पल्सेस है उसको पल्सेस बोलते हैं उसको पल्सेस अलग स्पाइसेस अलग पल्सेस These are nothing but protein solution. उसको बोलते हैं protein solution. Lactic जो है lactic क्या बोलते हैं उसको curd curd homogeneous है heterogeneous है. Sir heterogeneous. Heterogeneous है. Drainage water. ड्रेनेज वाटर बोलो हेट्रोजीनियस यस वेरी गुड तो पर्टिकुलर ये मिल्क ब्लड उसके बाद ये जो है प्रोटीन का सॉल्यूशन उसको क्या बोलते बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडल टिंडल इफेक्ट वगैरह स्टडी किया आपने टेंथ में बराबर ना यस सर हाँ उसको बोलते कोलाइडल सॉल्यूशन ब्लड इज द कोलाइडल सॉल्यूशन मिल्क हेट्रोजीनियस क्यों है हम बोलते हैं ना दूध का दूध और पानी हो जाएगा होता है ना होता है कि नहीं yes, होता sir. है यस सर दूध का दूध और पानी कौन करता है फैट फैट वाला फैट चेकिंग मशीन रे नहीं करता मशीन कंटिन्यूअस फैट फैट सेपरेशन फैट के ऊपर हम बोलते हैं ना कितने फैट का दूध है उसके ऊपर उसका रेट डिटरमाइन करते हैं इसको बोलते हैं दूध का दूध और पानी हेट्रोजीनियस हाँ दीज आर द हेट्रोजीनियस तो जनरली मिक्सचर को हम और दूसरा क्लासिफिकेशन करते ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस कोलाइडल यानी प्रोटीन मिल्क प्रोटीन का सॉल्यूशन मिल्क का सॉल्यूशन उसके बाद ये जो है ड्रेनेज वाटर ब्लड दिस आर नथिंग बट द कोलाइडल सॉल्यूशन तीसरा एक रहता सस्पेंशन ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत कम होती है हेट्रोजीनियस में जो कोलाइडल है पार्टिकल साइज थोड़ी सी ज्यादा होती है एंड सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा होती है सस्पेंशन का एग्जाम्पल बता सकते हैं आप कौन सा सस्पेंशन ये ट्रू सॉल्यूशन है कहां गया ये अल्कोहल सॉल्यूशन यूरिया सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन ये प्रोटीन सॉल्यूशन
उसको बोलते हैं कोलाइडर सॉल्यूशन। कोलाइडर सॉल्यूशन बराबर है, सस्पेंशन 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 यानी 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर ट्रू सॉल्यूशन की रेंज रहेगी। कोलाइड की रेंज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर पार्टिकल साइज। एंड सस्पेंशन का जो रहता है ग्रेटर देन सॉरी ये 1000 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर टू ऑनवर्ड्स ये रहता है सस्पेंशन। तो बोलो सस्पेंशन का एग्जांपल क्या है। सपोज मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आया और आपको पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्पेंशन तो बताना क्या। सोप सॉल्यूशन आर नथिंग बट द कोलाइडल सॉल्यूशंस। ओके माइसेली बोलते उसको तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन के हिसाब से आपने लॉजिक लगाना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन कौन सा है तो पहला वाला मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। नंबर वन मिल्क, नंबर टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट यानी वो पीने का इलेक्ट्रोलाइट ORS। नंबर थ्री बराबर है, नंबर थ्री ब्लड सॉल्यूशन, नंबर फोर कैडबरी चॉकलेट्स। सर मिल्क, मिल्क क्या है सस्पेंशन, सस्पेंशन है क्या मिल्क है ना सर। नहीं नहीं कोलाइडल मिल्क ब्लड कोलाइडल है। आ रहा है समझ में? यस सर। बोला मैंने इलेक्ट्रोलाइट वो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन एंड पार्टिकल साइज ज्यादा है सब ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन की पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होती है उसको बोलते हैं हम सस्पेंशन। सस्पेंशन कौन सा? कैडबरी केक चॉकलेट्स बिस्किट्स ब्रेड्स दीज आर नथिंग बट सस्पेंशंस उसको बोलते हैं हम सस्पेंशंस। आए क्या समझ में? यस सर। ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इधर भी टाइप है मिक्सर की उसको मिक्सर के टाइप्स बोलते हैं। ओके इज इट राइट? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बराबर है क्या? यस सर। चलो रब करता हूं इसको। तुम्हारा लास्ट टॉपिक फिजिकल का कौन सा हुआ? फिजिकल का हुआ कि नहीं हुआ? फिजिकल का टॉपिक हुआ क्या कंप्लीट? एक आधा सर फिजिकल तो हुआ भी नहीं सर, ऑर्गेनिक चल रहा था तो उसमें लास्ट में आपने वो बेंजीन के रिएक्शंस कराए थे।
सर वीडियो फ्रीज हो गया। सर वीडियो मतलब वीडियो दिख ही नहीं रहा, पूरा ब्लैक हो गया। हाँ तो मैं बोल रहा था बेटा फिजिकल का एक आधा टॉपिक कंप्लीट हुआ है क्या? हुआ है क्या नहीं हुआ है? चालू किया था क्या एक आधा? ये हुआ था क्या बेसिक मैंने पढ़ाया हो? आवाज आती है ना मेरी? यस सर आ रही। नहीं पढ़ा है सभी। तो मैंने जो पढ़ाया क्या? नो सर। हाँ हुआ था नो सर। सर आपको क्वेश्चन नहीं था ना? हाँ आपने क्वेश्चन क्या पूछा? खाली रेंज आ रही क्या ठीक से? मैंने बोला है मैंने जो आज पढ़ाया ना ये पहले हुआ था क्या? नो सर ये पहले नहीं हुआ। हाँ 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 नहीं हुआ ना। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ठीक से। सर मैं बोल रहा हूँ सर ने एक दो डेफिनेशन दिए थे उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। जी 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 ओके चलो अब हम देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? सर आई थिंक थ्री। लेंथ मास एंड टाइम। फिर करंट। और एक कौन सी है? यूनिट लेंथ का? लेंथ का एल मीटर। ओके यम सीजीएस सीजीएस सेंटीमीटर। मास किलोग्राम किलोग्राम
किलोग्राम केजी यस ग्राम 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 टाइम आवर सेकंड दोनों भी सेकंड इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर एम्पियर ओके एम्पियर का यूनिट ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं नहीं ये सिंबल ए क्यू बाय टी आई 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 हाँ आई आई सेकंड कूलम्ब पर सेकंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी टेम्परेचर केल्विन 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 सिंबल टी सर केन सर केल्विन का के है ना के बराबर टेम्परेचर ओके केल्विन तो डिराइव्ड बोलो डिराइव्ड फेरनहाइट एरिया मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हाँ वॉल्यूम मीटर क्यूब मीटर क्यूब ओके डेंसिटी केजी केजी पर मीटर क्यूब वेरी गुड पार्ट अपॉन वॉल्यूम सीडीएस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब फोर्स न्यूटन डिस्प्लेसमेंट इन डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम तो हाँ Force time. Mass into acceleration. Mass into. Very good. Mass into acceleration. Kilogram. Meter per second square. Meter per second square. बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेक्ट ठीक है उसके बाद प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट का है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर है यस सर वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज कॉल्ड एज पास्कल पास्कल बोलते उसको पास्कल बराबर ना यस सर वन एटीएम वन एटमोस्फियर 10^5 पास्कल प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया एरिया सॉरी सॉरी
पास्कल नहीं है, बराबर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी सर। एंड सीजीएस कौन सा है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, डाइन पर। इधर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स ओनली न्यूटन है, न्यूटन बराबर ना? यस सर, ये डाइन। न्यूटन, न्यूटन मीटर बोले तो क्या होता है? न्यूटन मीटर ना हमने फोर्स लगाया होता है। न्यूटन मीटर, जूल, वन जूल, न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजीएस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज पास्कल। पास्कल बोलते, पास्कल, वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वन पास्कल, वन एटीएम, 101 किलो पास्कल। वर्क, व्हाट इज वर्क? जूल, जूल। फार्मूला, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। एमएस कॉस थीटा। हाँ, उसके बाद ये अपना चार्ज, कूलम्ब, 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 एम्पियर, कूलम्ब, एम्पियर, सॉरी एम्पियर ये होगा सर, करेक्ट। एम्पियर टाइम सेकंड, बराबर ना? यस सर। एम्पियर टाइम, नो सर, एम्पियर करंट। एम्पियर इज करंट, एम्पियर सेकंड, करेक्ट। ये फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी होगा, मास होगा, बराबर है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट, मोल, 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 कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, मोल पर लीटर, मोल पर मीटर क्यूब, सॉरी मोल पर मीटर क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है। ओके, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ना सर, बराबर ना? एमजीएच, हाँ, एनर्जी अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, दीज आर ऑल फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन फिजिकल क्वांटिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है इसमें ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसमें, मोल, इधर लिखता हूं, मोल, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट, ले लो, जस्ट मिनट। होगा
आया, समझ में आया क्या? यस राइट। यूनिट कन्वर्जन मास किलोग्राम वन किलोग्राम इज इक्वल टू 10,000 That is equal to 10 to the power 6 milligram. Milli ka micro. Milli. Barabar na? Yes, sir. Ten to the power minus 6 gram. That is equal to 1 microgram. 10 to the power 6 gram that is equal to 1 megagram. Mega. One megagram. 10 to the power minus 9 gram. 1 nanogram. 10 to the power minus 1. Bolo. Decigram. Decigram. Deci, very good. 10 to the power 1. Deca. Very good. Deca, 10 to the power minus 2. Centi. Very good. 10 to the power plus 2. Hecto. Hecto. 10 to the power minus 3. Milli. Milli. 10 to the power 3. Kilogram. Kilogram. 10 to the power minus 6. Microgram. Oh. 10 to the power plus 6, mega. 10 to the power minus 9, nano. 10 to the power plus 9, giga. Micro, mega, nano, giga, pico. Terahertz. 10 to the power minus 15. Femto. Fermi. 10 to the power 15. Peta. 10 to the power minus 18. Hexa. 10 to the power plus 18. Auto. 18. Conversion. Mass. Ab dusra aayega volume. One meter cube. 10 to the power 3 dm cube, 10 to the power 3 liter, 10 to the power 6 ml, 10 to the power 6 centimeter cube.
1 ml 10 to the power minus 3 liter 10 to the power minus 6 meter cube. Meter cube. 10 to the power minus 3 dm cube. One decaliter. One decaliter. Yani 10 to the power 2 liter. That is equal to 100 liter. That is equal to 1 liter 10 to the power 3. 100 into 10 to the power 3 ml. 10 to the power 5 ml. 10 to the power 5 cubic centimeter. Liter, 1 liter 10 to the power minus 3 meter. 1 liter. 1 liter. 1 dm cube. 10 to the power minus 3 meter cube. That is equal to 100 into 10 to the power minus 3 meter cube. 0.1 meter cube. One centiliter. Centi. 10 to the power minus 2 liter. 1 liter means 10 to the power minus 10 to the power plus 3. 10 to the power minus 2, 10 to the power 3 ml. That is equal to 10 ml. 1 centiliter, 10 ml. Barabar hai, samajh mein aa raha hai beta? Is it right? Are you getting this? Yes, sir. Kuch nahi, aap 10 minute le lenge, jyada jyada 5-7. Quit karenge, do lecture bole the aaj. Screenshot le lo. Okay. ये चेक करो ना लास्ट वाला उल्टा अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है ये इधर है ये इधर है ऑटो एक सा नहीं तो मैं कल तो बोलूंगा आपको कंफर्म करके ऑटो एक सा करूँ अब ये जो है 1 centimeter क्यूब 1 ml
10 to power minus 3 liter, 10 to power minus 3 bm cube, 10 to power minus 3 meter cube, minus 6 meter cube. Pressure assign it Newton per meter square or Pascal. One point three two five 10 to the power 5 Pascal. That is equal to 760. Millimeter of mercury, 76 centimeter of mercury. One bar 0.89 atm. Generally, one bar nearly equal to 1 atm. Equal to 1 into 10 to the power 5 Pascal. Pressure ka unit. Temperature Kelvin. Yes, I need Kelvin. Kelvin, that is equal to degree centigrade plus 273.15. Barabar na? Yes, sir. Dusra hai. डिग्री फारेनहाइट बराबर है यस सर 9.5 इनटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 बराबर ना यस सर यदि हम इसका कन्वर्जन देखेंगे degree Fahrenheit that is equal to 9/5 into 25 plus 72 sorry plus 32 45 plus 32 77 degree Fahrenheit. Degree Fahrenheit that is equal to 9/5 into 100 plus 30. degree Fahrenheit. समझ में आ रहा है क्या सबको? बेसिक है बेसिक. यस सर. हाँ बाकी वाले तो आए ना. रिवीजन हो रहा है सर. आया ना? ये सब रिवीजन है सर. बहुत सिंपल है.
आप उल्टा करना है, ये डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फारेनहाइट, आप डिग्री फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस कैसा करना है, डिग्री सेल्सियस उल्टा 5/9 इंटू एफ माइनस 32, 5/9 इंटू एफ माइनस 32 बराबर। अब इसको चेक करते हैं, ये वाला 5/9 77 माइनस 32 कितना आया, 45। हाँ ये 45 मैच हो गया फार्मूला। ये भी कर सकते, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 30। यह है कन्वर्जन टेम्परेचर का। तो ये बेसिक हमने स्टडी किया है। आपका पीरियोडिक टेबल वगैरह हुआ है क्या टॉपिक? सर टेबल मतलब? हाँ सर मेरे एलिमेंट्स लर्न है क्या स्टेट्स ऑफ मैटर उसके थोड़े डेफिनेशन लिखवाए थे सर ने? नहीं ये नहीं, अपना डिटेल में बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ सर वैसा कुछ नहीं करा। ओके स्ट्रक्चर ऑफ आइटम वगैरह तुम क्या करो, जो भी टॉपिक हुए तुम्हारे है ना ये अपना ऋषिकेश सर को भेज दो व्हाट्सएप करके, वो मुझे दे देंगे। कौन सा चालू करना है कल डिसाइड करते हैं, बराबर है? यस सर। समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस एवरीबॉडी गॉट दिस। चलो तो विद दिस लेक्चर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट जो भी लास्ट वाला, वी विल मीट अगेन टुमारो। स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीन शॉट लेने के बाद हम मीटिंग को ट्वीट करते हैं, ठीक है? ओके ओके सर। देख चलो अब मीटिंग एंड करता हूं मैं। यस सर ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। चलो गुड डे ऑल ऑफ यू।
हेलो